हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बिहार में जो BPSC TRE 1 TRE 2 के जो लोग नियुक्त हो गए हैं शिक्षक, तो देखिए वो लोग अपना योग्यता विस्तार का मतलब होता है, जैसे कोई जॉब में रहकर PG करना चाहते हैं, बहुत लोग MEd करना चाहते हैं, कई लोग जो DL Ed में है वो BEd करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो लोग जॉब में चल गए हैं, तो उन लोग के लिए कैसे पहले अनुमति लेना पड़ता है, जो भी पद हस्ताक्षरी है उनसे, यानी BO हो गया या DO या जो भी है उनसे अनुमति लिया जाता है, उसके बाद ही नामांकन करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन देखिए, एक लेटर जारी हुआ है आपका कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया की तरफ से, और देखिए इसमें क्या कहा गया उसको हम पढ़ के बताएंगे, फिर आपको दो क्लियर करवाएंगे। एक बात तो यहाँ पर ये है कि जैसे कोई लोग है कि इग्नू से मान लीजिए एडमिशन MBA में करा लिए हैं, और उसके 2-5 महीने के बाद उनका जॉब लग गया, तो वो अपना कोर्स आगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि जॉब में आ गए हैं और एडमिशन करवा लिए, और उसके बाद वो अनुमति ले गए नामांकन का, तो उनका क्या होगा। ये सब चीज़ इसमें क्लियर किया गया है। लिखा है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया, देखिए लेटर के अनुसार हम बता रहे हैं, समझे, क्योंकि बहुत लोग रेगुलर से, तो आपका जॉब हो गया तो रेगुलर कोर्स आप कर रहे हैं तो होता ही नहीं है वैलिड, तो आपका ज्वाइनिंग जैसे कीजिएगा वो ख़त्म हो जाता है। तो लिखा है प्रेषक जिला कार्यक्रम प्राधिकारी स्थापना गया, सेवा में सभी प्रधानाध्यापक प्रखंड के चिन्हित मध्य विद्यालय, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गया जिला। लिखा है विषय, लिखा है विद्यालय अध्यापक की योग्यता विस्तार करने के संबंध में। महाशय, लिखा है उपयुक्त विषय बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक की योग्यता विस्तार करने के संबंध अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि बिना अनुमति के विद्यालय अध्यापक के द्वारा नामांकन कराने के उपरांत अधोहस्ताक्षरी से अनुमति की मांग की जा रही है, जो नियम संगत नहीं है। अतः आपको निर्देश है कि अनुमति के पूर्व यदि नामांकन करा लिया है तो वैसे विद्यालय अध्यापकों का अनुमति हेतु आवेदन पत्र अग्रसारित एवं अनुशंसा नहीं किया जाए। अनुमति के पूर्व नामांकन वाले वैसे सभी विद्यालय अध्यापकों का नामांकन योग्यता मान नहीं होगा। यानी देखिए, कहने का मतलब इसमें तो एक ही चीज़ क्लियर किया गया है कि जो लोग जॉब में है, समझे, जॉब में आ गए यानी TRE 1 या TRE 2 में जॉब हो गया, और वो लोग एडमिशन करवा लिए, ठीक है, इग्नू में या कोई भी, क्योंकि रेगुलर से करा नहीं सकते, या तो डिस्टेंस मोड में कराएंगे, तो मान लीजिए डिस्टेंस मोड में वो एडमिशन करवा लिए, और उसके बाद वो गए अनुमति लेने, समझे। मान लीजिए उनका अनुमति मिल भी गया है, तो देखिए वो बोल रहे हैं कि ये नियम संगत नहीं है, समझे, क्योंकि या तो BO अनुमति देता है, क्योंकि यहाँ लेटर जो है वो BO को और प्रधानाध्यापक को ये चीज़ लेटर मतलब भेजा गया है, या तो BO देंगे या DO से भी लेते हैं बहुत लोग। तो कहने का यहाँ मतलब ये हुआ कि एडमिशन करवा लिए, और एडमिशन के बाद आप जाते हैं उनसे अनुमति लेने कि हमको कोर्स करना है, आगे योग्यता विस्तार करना है, तो हमें अनुमति दी जाए। तो इस सेंस में यहाँ लिखा हुआ है कि अब तो बोला गया है कि अनुमति नहीं मिलेगा, इस सेंस में लिखा हुआ है। दूसरा चीज़ है कि मान लीजिए किन्हीं को अनुमति में एडमिशन हो गया, मान लीजिए अनुमति दे दिया गया, तो यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसे लोगों का जो नामांकन है या योग्यता है वो मान्य नहीं होगा, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि अतः आपको निर्देश है कि अनुमति के पूर्व यानी अनुमति से पहले यदि नामांकन करवा लिया, यदि एडमिशन वो ले लिए हैं, और वैसे विद्यालय अध्यापकों का नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र अग्रसारित एवं अनुशंसा नहीं किया जाएगा। अनुमति के पूर्व नामांकन वाले वैसे सभी विद्यालय अध्यापकों का नामांकन योग्यता मान नहीं होगा, यानी अनुमति से पहले ही आप नामांकन करवा लिए हैं, समझे, तो आपका नामांकन योग्यता मान नहीं होगा, समझे। यहाँ लिखा है कि अनुमति की मांग की जा रही है जो नियम संगत नहीं है, यानी नियम के विरुद्ध। अब दूसरा चीज़ क्लियर कराते हैं कि देखिए, अब इसमें एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है, इसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं, लेकिन इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक लेटर क्लियर नहीं होता तब तक उस पर टिप्पा टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। जैसे कोई इग्नू से एडमिशन करवा लिए, ठीक है, और उसके बाद उनका जॉब हो गया, ठीक है, अब जॉब हो गया, इग्नू में एडमिशन करवाया 2 महीना पहले, जॉब हो गया, उसके बाद वो कोर्स को आगे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, या वो मतलब कोर्स को आगे
बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ इसमें क्लियर नहीं किया गया। लेकिन इसमें एक क्लियर किया गया है कि आपका जॉब हो गया और उसके बाद कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उस कोर्स में आप मतलब आप करना चाहते हैं तो पहले अनुमति लेना होगा, जो भी आपका अधोस्तक्षी कार्यालय है जैसे BO या जो भी हुआ या DO जहाँ से भी आप ले रहे हैं वहाँ से आपको क्या करना होगा, पहले अनुमति आपको लेना होगा, फिर अनुमति लेकर आपको क्या करना होगा कि तब आपको एडमिशन करवाना होगा। देखिए एक जैसे आप मान लीजिए कोई BED करते हैं इग्नू से, क्योंकि इग्नू से BED सिर्फ सरकारी टीचर ही कर सकते हैं, वहाँ लेटर देना पड़ता है आपको, सरकारी मतलब आप टीचर है तो लेटर देना होगा, वहाँ से नामांकन का अनुमति वाला लेटर सबमिट करना होगा तब आपका एडमिशन होगा, क्योंकि ये नियम है। लेकिन ये चीज़ हर चीज़ में होना चाहिए कि जब आप जॉब में हैं तो पहले आपको अनुमति वाला लेटर लेना मिलना चाहिए, उसके बाद ही आपका क्या होना चाहिए कि एडमिशन होना चाहिए, समझे। तो इसमें एक चीज़ क्लियर किया गया है, दूसरा चीज़ पर हम नहीं बोल पाएंगे पूरा क्लियर, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि जो लोग पहले एडमिशन करवा लिए हैं फिर जॉब हुआ तो वो अपना कोर्स को आगे रख सकते हैं कि नहीं, ये इसमें क्लियर स्पष्ट नहीं है, समझे। इसमें एक स्पष्ट यही है कि आपका क्योंकि जो चीज़ स्पष्ट है उसी पे बात होना चाहिए, क्योंकि YouTube पर आप वीडियो बहुत सारा देखिएगा, बहुत तरह के बात देखिएगा, समझे। तो जो लिखा हुआ है, जो मतलब आपके सामने मूर्त मतलब दिखाई दे रहा है, जो लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है उस पर हम बात कर रहे हैं कि जॉब हो जाने के बाद आपको एडमिशन लेना है, इस पर ही लिखा हुआ है आपको अनुमति लेना होगा। ऐसे आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि आप एडमिशन ले लिए हैं, समझे, तब भी आपको अनुमति लेना होगा, समझे। तो अनुमति लीजिएगा तो वहाँ से मिलेगा तो आपको कीजिएगा, नहीं मिलेगा तो आप नहीं कर सकते हैं, जो लोग पहले एडमिशन जॉब से पहले एडमिशन करवा लिए, क्लियर। तो इस पर आप लोग अपना देख लीजिएगा कि बहुत लोग ऐसा कोर्स कर रहे हैं, जैसे PG तो बहुत लोग कर रहे हैं, BED हो गया या अदर जो भी कोर्स है वो तो बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन PG मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। तो वो PG जो लोग मैक्सिमम लोग कर रहे हैं तो वो लोग ये चीज़ पहले क्लियर कर लीजिए, नहीं तो फिर पैसा भी बर्बाद हो गया, फिर कोर्स भी कर लीजिए उस चीज़ को अप्लाई कहूँ कर दीजिए, बाद में पता चला वो इनवैलिड है और फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ पहले क्लियर स्पष्ट कर लीजिएगा, समझे। जो भी आपके BO है DO है वहाँ से सब चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, सर ऐसे ऐसे बात है, तब उसके बाद आप एडमिशन के लिए तो अनुमति लेना होगा, ये क्लियर है, समझे। जो लोग मेन इग्नू वाला जो मतलब इग्नू बोल रहे हैं, जो पहले एडमिशन वाला बात है और फिर उसके बाद जॉब वाला है, वो चीज़ पहले क्लियर कर लीजिएगा, समझे। अनुमति उसमें भी लेना पड़ता है कि हम कोर्स को आगे लेना चाहते हैं तो अपने वहाँ से क्लियर हो जाएगा, समझे। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके जॉब के बाद कोई कोर्स करना बहुत अथी हो जाता है, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर आगे जाके आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए, फिर परेशानी हो जाए, तो भी बात हो जाएगा, समझे। क्योंकि लेटर बहुत दिन से देखिए कोई लेटर होता है तो जारी होता है तो एक मतलब एक आपका फैक्ट बन जाता है। देखिए इसके इस लेटर के आधार पर देखिए कितना जगह से भी हो सके लेटर जारी किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी, कोई भी चीज़ क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, कि नहीं तो बाद में फिर बहुत लोग एमएड करना चाहते हैं, मान लीजिए एमएड करना चाहते हैं बहुत लोग तो जॉब में है तो उसके लिए क्या नियम है, कैसे अनुमति मिलेगा, ये सब चीज़ जब क्लियर हो जाएगा तो आप कीजिए। क्योंकि जॉब में होने के बाद बहुत तरह का एक एक मतलब कोई भी आप कदम रख रहे हैं तो आप कदम रखिए तो एकदम स्पष्ट करके रखिए, जॉब में नहीं है तो 75 तरह का उपाय है, समझे। लेकिन जॉब में जाने के बाद आपको हर चीज़ क्लियर होने के बाद ही आप कोई चीज़ कीजिएगा, समझे। तो जो भी लोग एडमिशन करवा लिए हैं या कराना चाहते हैं तो अनुमति तो पहले लेना होगा, दी तो क्लियर है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं कोर्स स्पष्ट करके ही कीजिएगा, समझे। ये चीज़ क्लियर इसमें लिख दिया हुआ है, क्योंकि बाद में कोई परेशानी दिक्कत जो भी चीज़ है वो आपको नहीं होना चाहिए। तो ये 20 तारीख को लेटर जारी हुआ था, इधर का ही है, समझे। आज 24 है तो इस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की तरफ से ये जारी किया गया है, तो इस पर आप लोग जो भी लोग हैं वो सब पहले क्लियर करके ही अपना योग्यता विस्तार के बारे में अपना कोर्स कीजिएगा, MED हो या PG हो जो भी कोर्स हो, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस पर अपना देख लीजिएगा, थैंक यू।
हाँ।